नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और इस वक्त मुद्दा गरम है कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जो फंसे मजदूर हैं वो कब तक बेबसी के आंसू बहाएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि जरूरी इंतजाम नहीं होने की वजह से ये मजदूर गांव वापसी के लिए आंसू बहाने को मजबूर हो गए हैं। मजदूरों का आरोप है कि उनके पास खाने और रहने के लिए पैसे नहीं बचे हैं और बाहर निकलो तो पुलिस वाले उन्हें मार मार कर भगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हैं कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अविजित हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता नेहा जोशी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हैं और पटना से संजय कुमार। इन सबका रुख करें उससे पहले जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज मजदूरों की बेबसी पर चर्चा की जरूरत दरअसल इसलिए है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों की बेबसी की तस्वीर सामने आ रही है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है, ये महिला बेबस है, न खाने को है न जाने का कहीं समझ में आ रहा है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं जो थम नहीं रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, रोहतक की तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि यहाँ जो मजदूर हैं उनका ये कहना है कि उनको लाठियों से मारा जा रहा है वो जब घर से निकल रहे हैं। ये आंखें बहुत कुछ बयां कर देंगी अगर गौर से देखेंगे, लेकिन सवाल यही है कि सरकारों को क्या ये आंसू दिख रहे हैं? सरकार कोई प्रबंध कर रही है ताकि इनके आंखों में आंसू ना हो के चेहरे पर मुस्कान हो? हम गांव जाना चाहते हूँ, कम 20 दिन काम किया हूँ, जो बना था ना पैसा दाम वो मकान मालिक ले लिया, 10-20, 100-200 होते तो मैंने खाया आज तक। अब खाने को नहीं, मकान मालिक दे नहीं रहा है, रूम में ताला डाल दिया है। सो वो मार मार के भगाते हैं यहाँ से, बोलते हैं उधर चले जाओ जहाँ तुम्हें आए हो ना, उधर चले जाओ, वहाँ तो को मकान मालिक ताला डाल दिया है तो मैं कहाँ जाऊँ। जब से लॉकडाउन हुआ है सर जी, कोई पूछने नहीं आ रहा है, कंपनी के साहब हो या मैनेजर हो, ना फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करने पर उठाते भी ना है कोई। कमरा किराए वाला बोल रहा है जिस किराए के मकान में हो कि हमारा कमरा किराया चाहिए, राशन के पैसे चाहिए, पैसे ना मिलेगा तो हम ना देंगे। भाई तुम्हारा कोई सिचुएशन नहीं, कंपनी चल नहीं रही है, तुम पैसे कहाँ से दोगे? ठीक है, हम जाने की बात है, जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, घोड़ा नहीं मिल रहा, कुछ भी ना मिल रहा है, हम तो पैदल जाने के लिए तैयारी बना ली है, पैदल जाएंगे। नेहा, अगर आप ये तस्वीरें देख रही होंगी तो ये सवाल आज सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण ये है कि ये मजदूर कब तक ऐसे ही रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, इनका दर्द कब दूर होगा? धन्यवाद अर्पिता जी। सबसे पहले तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हमारी सरकार को और प्रधानमंत्री जी ने इस पे खेद जताया है कि कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिकेशन थी, आप देखेंगे कि सरकार लगातार ट्रेनें चला रही है, 1200 से ज्यादा ट्रेनें अभी तक चलाई जा चुकी हैं और 12 लाख से ऊपर इस तरीके के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको स्टेट्स में वापस पहुंचाने का काम लगातार सरकार कर रही है, बस सेवाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सब्र जो है वो थोड़ा लोगों का टूटा है और वो पैदल ही निकल जा रहे हैं और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आप देखेंगे यूपी गवर्नमेंट ने आज पूरा अपना तंत्र लगा दिया है कि जहां पर भी आपको श्रमिक चलते हुए दिखे उनको बसों के माध्यम से, सरकारी गाड़ियों के माध्यम से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। तो आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जिस तरीके के मेजर्स अनाउंस किए हैं, सब हमारे जो ये श्रमिक भाई बहन हैं जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शहरों में जाकर उन शहरों का निर्माण कर रहे थे उनके लिए एक विशेष पैकेज का भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो इस समय पूरी कोशिश ये है कि एक तरफ तो हमें इस महामारी से भी लड़ना है और साथ साथ हमारे सवाल है आपसे कि क्या आप ये मानेंगी कि लॉकडाउन को घोषित करने से पहले हम कहीं चूक गए, हम इन मजदूर, इन प्रवासी मजदूरों के बारे में वो रणनीति नहीं बना पाए, कहीं चूक हो गई रणनीति के तौर पर? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। आप विश्व में किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, लॉकडाउन कभी भी एक डेडलाइन अनाउंस करके नहीं किया जाता है। इस लॉकडाउन की सफलता का ही ये कारण है कि यह लॉकडाउन बिना किसी वार्निंग दिए अनाउंस किया गया। ठीक है, अंशुल जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार वो रणनीति नहीं बना पाई कि अगर लॉकडाउन होता है तो ये मजदूर जो हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है, उसकी स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी? शायद पहले सोच ले जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये कमियां आज जो दिखाई देने को दिख रही हैं,
ये जो दृश्य हमें दिख रहे हैं, ये पीड़ा के, ये बेबसी के, ये नहीं दिखाई देते अगर कोई राष्ट्रीय योजना होती, रणनीति होती, अगर सरकार ने पहली रणनीति बनाई होती तो हमें ऐसे दृश्य, ऐसी पीड़ा के, ऐसी विवशता के दृश्य नहीं दिखाई देते। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि अभी भी निर्मला सीतारमण जी ने आज संबोधन किया, लेकिन जब उनको सवाल, उनसे सवाल पूछा गया तो हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने क्या किया वो तो एक सेकेंड, नहीं नहीं एक सेकेंड, नेहा रुक जाइए एक सेकेंड, अंशुल आप भी रुक जाइए, बहुत गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग, जब मैं सवाल करूं तब आप जवाब दें। दिल्ली के पास जरा गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, वहां पर गांव वापसी के लिए सड़कों पर पैदल ये मजदूर अब निकल चुके हैं, और जब ये निकले तो वहां पर पुलिस वालों ने उन पर लाठी मारना शुरू कर दिया। ये जो मजदूर है वो रोता बिलखता वहां पर कैमरे में कैद हुआ, और उसका ये कहना था कि वो जब निकला है तो पुलिस ने लाठी चला दी, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी आई है। तो ये मजदूर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और ऐसे में जब ये घर से निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ तो पुलिस वाले लाठियां भी बरसा दे रहे हैं। मजदूरों पर किस तरह से सितम हो रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक मजदूर हैं जो निकले थे बिहार के लिए, लेकिन पुलिस की लाठी का शिकार ये हुए हैं। देखिए, हाथ पर चोट का निशान है, इनकी टांग में भी लाठी मारी गई है, और ये रो रहे हैं। देखिए किस तरह से, बहुत देर से यहाँ पर रो रहे हैं। आप बताइए, ये क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे थे। क्या हुआ था? पुलिस ने लाठी चलाई? पुलिस ने, हम लोग पहले आगे गए थे, पुलिस वाले रोक दिए हम लोगों को। सब पुलिस वाले आए, बोले कि तुम लोग फ्लाईओवर के नीचे आके बैठो। फ्लाईओवर के नीचे हम लोग को बिठा के गए पुलिस वाले, दो चार पुलिस वाले। उसके बाद भी एक पुलिस वाले आए और सबको मारने लगे, लाठी लगा मारने लगे। सिर्फ मैं यही बोला कि सर, दूसरे पुलिस वाले ने तो हमको यहीं पे बिठा के गए हैं सर, बस यही बोलते ही आके सबको छोड़ के हमको पीटना शुरू कर दिया। मैं ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी उनका रुख करूं, उससे पहले नेहा छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि ये मजदूर जिन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा और इन पर लाठियां बांधी जा रही है। दुखद है जो आपके चैनल के माध्यम से हम तस्वीरें देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे पुलिस के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जगह जगह जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत मार्मिक तस्वीरें भी आ रही हैं कि किस तरीके से मदद कर रहे हैं श्रमिकों की, खाना भी खिला रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं। तो इस बीच ऐसी घटनाएं भी बीच बीच में आ रही है, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका संज्ञान लेगी, पता किया जाएगा कि इस तरीके से मजदूरों पर क्यों इन्होंने लाठियां बरसाई गई। ऋषभ, आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, स्थिति समझ रहे होंगे, वहां पर क्या स्थिति है, कितने मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, जो अपने घर जाना चाह रहे हैं, और उनके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से? अर्पिता, देखिए, जो उत्तर प्रदेश में एंट्री पॉइंट है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हो, वो झांसी है। झांसी में करीब सुबह तक 18-20 हज़ार वहाँ पर श्रमिक वहाँ पर मौजूद थे। कल रात को दो ट्रेन चलाई गई थी गोरखपुर के लिए, जिसके माध्यम से 2,500 श्रमिक गोरखपुर पहुँचाए गए हैं। आज शाम को भी दो ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे श्रमिकों की संख्या कुछ कम होगी, लेकिन अभी भी झांसी में अप्रवासी श्रमिकों का आना जारी है, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, सदर्न पार्ट से आ रहे हैं। अब वहाँ पर व्यवस्था की गई है रोडवेज बसेस की, सरकार ने आदेश दे दिया है, प्राइवेट बसेस का, स्कूल बसेस का एक्विजिशन कर रहे हैं लोकल डीएम, और वहाँ से अब धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों को निकाला जा रहा है, और वहीं पर पिक एंड ड्रॉप और होल्डिंग पॉइंट बना दिए गए हैं, जहाँ पर इन प्रवासी श्रमिकों को खाना पानी मुहैया कराया जा रहा है। अब दूसरा एक पार्ट आ जाता है सहारनपुर वाला, जहाँ पर कल रात को थोड़ा सा इशू हुआ था। पंजाब हरियाणा के जो प्रवासी श्रमिक हैं वो सहारनपुर से एंट्री करते हैं, वहाँ भी 5-6 हज़ार अप्रवासी श्रमिक इकट्ठे थे, जहाँ पर थोड़ी सी नारेबाजी। आपके पास जरा हरियाणा की तस्वीर भी देख लेते हैं। हरियाणा के रोहतक में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में फंसे मजदूरों ने अपील की कि जैसे भी हो अब उन्हें घर भेज दिया जाए। यानी ये जो मजदूर हैं वो अब कह रहे हैं कि कुछ भी व्यवस्था कीजिए, काफी लंबा वक्त हो गया है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे में उनको घर भेजा जाए, हमें बिहार भेज दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, और फैक्ट्री वाले तो भाई हाथ खड़ा कर रखे हैं, पूछने तक भी नहीं आए हैं कि तुम लोग को यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आज तक एक भी फ़ोन नहीं किए हैं। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात आती है तो ये रोज़ आज कल आश्वासन दे रहे हैं,
कल भेज देंगे बेटा, परसों भेज देंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का हम लोग का कोई हेल्प नहीं मिला है। अंशुल जी, जो स्थिति हम देख रहे हैं, ये कमोबेश सारे राज्यों में यही स्थिति है, यानी मजदूरों की कहां पर ऐसे आप कमी देख रहे हैं कि वो कमी हो गई जिसके कारण ये मजदूर अभी 54 दिन भी हो गए हैं अभी तक वो स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है इन मजदूरों की? देखिए, बहुत दुख की बात है, बर्दाश्त की भी हद होती है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने पहले यह फैसला किया था कि हम आलोचना नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे सरकार का, लेकिन बर्दाश्त की हद होती है। ये जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये कोई भी सह नहीं सकता। तालमेल है ही नहीं राज्य सरकार से, जो राज्य सरकार की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं, और देखिए क्या हालत हो गई है। जब मजदूर, जो श्रमिक मजदूर जो ये अपने घर से निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, वो कफन बांध के निकलते हैं, तो ऐसे तो हालात हो गए हैं, न खाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, अंशुल ये कह रहे हैं कि राज्यों से तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ये मजदूर फंसे हुए हैं, कई जगहों पर बॉर्डर पर जाकर फंस जाते हैं। जी अर्पिता जी, मैं सुन रही हूँ अंशुल जी जो कह रहे हैं, और वो सब्र की बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं सरकारों के बीच में। तो अंशुल जी, मेरा ये सवाल है, क्यों ऐसा है कि यूपी गवर्नमेंट 568 ट्रेन एक्सेप्ट करती है श्रमिकों से भरी हुई, गुजरात 416 ट्रेन एक्सेप्ट करता है, बिहार 275 ट्रेन एक्सेप्ट करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल सिर्फ 9 ट्रेन ले रहा है, छत्तीसगढ़ में अभी तक सिर्फ 11 ट्रेनें आई हैं, राजस्थान ने सिर्फ 24 ट्रेनें अभी तक एक्सेप्ट की, और झारखंड जहां पर अभी आपकी सरकार है, आपके समर्थन की सरकार है, वहां सिर्फ 54 ट्रेन आई हैं। तो क्यों नहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुख्यमंत्री और जो उनके समर्थक जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको बोलें कि जो श्रमिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनके स्टेट तक पहुंचाने की, यानी वो आप लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं ट्रेन की, मजदूरों को लाने के लिए जिम्मेदारी नहीं है आपकी सरकार। अंशुल, नहीं नहीं ये बात नहीं है, मुझे लगता है राहत सामग्री पहुंचने में भी भेदभाव बहुत हो रहा है। देखिए, राज्य सरकार की ये मांगे हैं, ये रंजिशें हैं, ये नाराजगी है, और ये सवाल आज वित्त मंत्री जी से भी पूछा गया था, वो नाराज हो गई थी क्योंकि ये सरकार दिशाहीन है, ये सरकार बेरहम है, ये सरकार ने राष्ट्र योजना नहीं बनाई। लॉकडाउन का ये मतलब था कि आप तैयारी करें। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, जरा और राज्यों की तस्वीरें भी हम एक बार देख लें। लखनऊ के बीच लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में अपने अपने घरों को लौट रहे मजदूरों को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया गया। ये मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने अपने घरों के लिए लौट रहे थे, और उसी बीच इन्हें जब ये बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो बॉर्डर पर इन्हें रोका गया है। तो लॉकडाउन के बीच ये जो मजदूर हैं, जब व्यवस्था नहीं हो रही है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं, तो ये मजबूर हैं ऐसे ही पैदल निकलने के लिए। अंशुल जी, आप केंद्र की कमियां और खामियां गिना रहे हैं, लेकिन कई मजदूर महाराष्ट्र में जो हम स्थिति देख रहे हैं, महाराष्ट्र से वो निकल रहे हैं पैदल पैदल, उनको निकलने कैसे दिया जा रहा है, उनके लिए क्या प्रबंध नहीं है, ना उनको घर जाने के लिए, ना उनके रहने और खाने के लिए? देखिए, ये समस्या है जरूर कि बीजेपी के जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उसमें कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी इक्विलिब्रियम अभी तक नहीं आया है। मैं आ रही हूं। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो रंजिशें हैं, वो पूरी नहीं हो, उनके पास अधिकार ही नहीं है अभी बहुत कुछ करने के लिए। कैसे अधिकार की बात कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार क्या चाह रही है, क्या ऐसे प्रबंध होने चाहिए, जो कमी आपको दिख रही है वो कमी बताइए। देखिए, केंद्र सरकार ने जितनी भी शक्तियां हैं, प्राकृतिक आपदा आती है जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है, जो जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास हो जाती हैं। जो राज्य सरकार है, आपने हमारी जो राज्य सरकार है, अगर जहां राजस्थान को देखें, पंजाब को देखें, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर है। स्थिति बेहतर लग रही है आपको? ऐसी बात नहीं है, महाराष्ट्र सबसे नंबर वन पे है केसेस के मामले में, और आपको स्थिति बेहतर लग रही है। ठीक है, नेहा से जवाब ले रहे हैं, रुके नेहा, वो ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही, कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसलिए राज्य सरकार चाहकर भी कोई काम नहीं कर पा रही है मजदूरों के लिए लेकर या कोरोना से लड़ने के लिए। अर्पिता जी, आपने देखा किस तरीके से अंशुल जी ने बहुत कन्वीनियंटली गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, जब श्रमिकों की ट्रेनें की बात आई तो उन्होंने बात कर दी अब राहत सामग्री की। क्योंकि इन्होंने राहत सामग्री की बात की है तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने एडवांस 11,000 करोड़ रुपए रिलीज किया है स्टेट्स को शेल्टर होम्स बनाने के लिए, जिसमें पूरी व्यवस्था की जाए जो श्रमिक वापस आ रहे हैं उनकी टेम्पररी अकोमोडेशन की। अच्छा, ऐसा क्यों है कि उड़ीसा
जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्टेट कंप्लेन नहीं कर रहा है, वहां पर पूरी एड जा रही है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे स्टेट से जहां कांग्रेस की आ रही हूं मैं आप दोनों के पास, एक तस्वीर और देख लेते हैं। मुंबई गुजरात हाईवे पर दरअसल ये जो मजदूर हैं उनकी जबरदस्त भीड़ दिखी सरकारी बसों के लिए। करीब 1.5 किलोमीटर तक ये मजदूर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। घोड़बंदर रोड से लाइन हाईवे तक पहुंच चुकी है। बसों के साथ साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारी वहां से नदारद हैं। मजदूर कल रात से ही सड़कों पर बैठे हुए हैं और यहां इकट्ठा हुए मजदूर उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। तो ये स्थिति है, आप देखिए ये मजदूर कितनी लंबी लाइन लगाकर यहां बैठे हुए हैं। कम होने का नाम नहीं ले रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई गुजरात हाईवे पर, और हाईवे के पास जो घोड़बंदर रोड का सर्विस रोड है वहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। एक तो जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मजदूर तमाम जो इकट्ठा हुए हैं कल रात से, उसके पहले से जिनको हमें गांव जाना है उनकी जबरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं, और यहाँ पर इस भीड़ में साथ ही साथ एक लंबी लाइन भी सामने से आप नजर आ रही होगी कि एक लंबी लाइन वहां से लगी है, क्योंकि हर कोई गांव जाना चाहता है और यहां से बस जो है उन्हें MP के बॉर्डर, कर्नाटक के बॉर्डर या छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर छोड़ती है और वहां से फिर वहां की सरकार इन मजदूरों को आगे तरफ लेके जाती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त मुंबई गुजरात हाईवे पर, आप देखिए ये जो लाइन है आज करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी तक लगी है, और ये देखिए ये लंबी लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आज लाइन जो है वो हाईवे तक पहुँच गई है। जो हिस्सा है हाईवे का वहाँ पे जो मजदूर लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने गांव जाना चाहता है, काम धंधा बंद है और करे तो क्या करे, मजबूरी है, पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि कब उसे सरकार से बसें मिलेंगी और कब वो अपने गांव की तरफ आगे बढ़ पाएगा। ये तमाम जो मजदूर आप देख रहे हैं ये लाइन से बैठे हुए हैं, इंतजार इसी बात का है कि आखिर उन्हें बसें मिलें और तब वो जाके आगे की तरफ बढ़ सकें, लेकिन फिलहाल इन्हें कोई जानकारी नहीं है, कल रात से बैठे हुए हैं। और इन मजदूरों में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लगातार जो हैं यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है उन्हें बसें मुहैया कराए, ताकि जो है वो अपने गाँव की तरफ आगे बढ़ चुके। कुछ ऐसी ही स्थिति पंजाब की भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित उस वक्त लुधियाना से जुड़ चुके हैं। रोहित, वहां पर क्या स्थिति? अर्पिता, बिल्कुल, मैं इस समय लुधियाना के नेशनल हाईवे नंबर पर हूँ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर मजदूर जो हैं, जो अपने घर वापसी कर रहे हैं, किस कदर कर रहे हैं, अपाहिज हैं, घर जाना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं, सर आप घर जाना चाहते हैं और पैदल निकले हुए हैं, हाँ। गाड़ी सुविधा कुछ नहीं मिले सरकार की तरफ से आपको? कुछ नहीं, कोई साधन सुविधा नहीं मिला। ऑनलाइन भी कराया तो आज 15 दिन हो गया, उसका भी कोई मैसेज नहीं आया, कोई सुविधा नहीं मिला। घर में कुछ खाने का नहीं है जी, पैसे भी नहीं है। मैं क्या हालत में अपने बच्चों, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं किस हाल में अपने बच्चों को यहाँ पालूं? किसी तरह कामें चल रहा था, उसी गुजारा से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, अपना उसी गुजारा कर रहा था। पिछले कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 16 साल हो गया भाजी, 16 साल से मैं यहाँ लुधियाना में रह रहा हूँ, ऐसा मुसीबत कभी नहीं पड़ा है। अर्पिता, मेरे साथ और भी है, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे कदमों से इन्होंने हजारों किलोमीटर, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है जिसके पांव में छाले तक हो चुके हैं, ये साफ तस्वीरें देखकर हमें दुख हो रहा है। हमें ऐसा तस्वीरें कि मन में ऐसी चीजें उठ रही हैं कि हम बता नहीं पा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, आपकी बच्ची के पांव के छाले हो गए हैं, आप कैसे लेकर जाएंगे इनको? लेकर के जाऊंगी भैया, कैसे लेकर, पैदल जाएंगे, गाड़ी मिलेगा तो गाड़ी से लेकर के जाएंगे, आओ कैसे लेकर के जाएंगे, ठीक है ऐसे लेकर के जाएंगे पैदल। रोहित, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। सड़क पर कई ट्रकों में कई मजदूर बैठकर जाते नजर आए हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई तक इसी बीच लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है, यानी महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया और इसके तहत 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो यानी अब ये कदम महाराष्ट्र सरकार भी उठाती नजर आ रही है, क्योंकि स्थिति को बेहतर तरीके से समझ रही होगी और इसीलिए ये कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाया गया, लॉकडाउन वहां पर 31 मई तक बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। सड़क पर कई ट्रकों में कई मजदूर बैठकर जाते नजर आए। एक ट्रक में कई मजदूर भरे हुए थे जो लंबे सफर के दौरान कुछ देर के लिए आराम करने रुके, लेकिन इस दौरान मजदूर काफी परेशान नजर आए। दिक्कत तो बहुत है और जो ये
मतलब लॉकडाउन हुआ है जब से तब से आज तक से बहुत सी दिक्कतें हुई है। कुछ लोग बोले कि 17 तारीख से लग जाए लॉकडाउन, फिर निकलने की व्यवस्था नहीं है तो निकल पड़े। उधर यूपी के कानपुर में ट्रकों और बसों में बैठकर अपने गांव लौट रहे मजदूरों को फिर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे 2 पर मजदूरों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, जिसके बाद ट्रकों और बसों की लंबी कतार लग गई है। करीब 10 घंटे से वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को रात भर से खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला और वो सीमा पार करने के इंतजार में खड़े हुए हैं। उधर आंध्र प्रदेश के गंटूर में मजदूरों से भरी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 15 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये मजदूर चेन्नई में फंसे थे और किसी तरह एक गाड़ी से अपने राज्य बिहार लौट रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गाजियाबाद के इंद्रापुरम में बिहार के अररिया की तरफ से लौट रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मजदूरों के मुताबिक उन्हें कुछ पुलिस वालों ने फ्लाईओवर के नीचे बैठने को कहा था, लेकिन दूसरे पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर अचानक उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मजदूर रोते बिलखते और परेशान दिखे। मजदूरों पर किस तरह से सितम हो रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक मजदूर हैं जो निकले थे बिहार के लिए, लेकिन पुलिस की लाठी का शिकार ये हुए हैं। देखिए, हाथ पर चोट का निशान है, इनकी टांग में भी लाठी मारी गई है और ये रो रहे हैं। देखिए किस तरह से, बहुत देर से यहाँ पर रो रहे हैं। आप बताइए, ये क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे थे। क्या हुआ था? पुलिस ने लाठी चलाई? पुलिस ने, हम लोग पहले आगे गए थे, पुलिस वाले रोक दिए हम लोगों को। सब पुलिस वाले आए, बोले कि तुम लोग फ्लाईओवर के नीचे आके बैठो। फ्लाईओवर के नीचे हम लोग को बिठा के गए पुलिस वाले, दो चार पुलिस वाले। उसके बाद भी एक पुलिस वाले आए और सबको मारने लगे, लाठी लगा मारने लगे। सिर्फ मैं यही बोला कि सर, दूसरे पुलिस वाले ने तो हमको यही पे बिठा के गए हैं सर, बस यही बोलते ही आके सबको छोड़ के हमको पीटना शुरू कर दिया। पहले तो एक बार यहाँ मारा था और यहाँ मारा और फिर यहाँ मारा था। देखिए, ये कमर पर चोट के निशान है। देखिए किस तरह से ये लाठी के निशान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और बुरी तरह से ये हो रहे हैं। तो इनकी तकलीफ आप समझ सकते हैं, कितनी परेशानी हो रही। देखिए, इनको भी चोट लगी, आपको भी, आपको ये भी रो रहे हैं, इनकी आंख में भी आंसू है। कहाँ जाना था आपको? ये बिहार जाना था सर। क्या हुआ अभी यहाँ पर सर? हाथ दिखाई वही सर, ये देखिए सर, मेरा हाथ में लगी है चोट, बहुत बुरी तरीके से मारा है। हम यही बात बोलेंगे सर, हमने दूसरे पुलिस वाले हमें बैठा है यहाँ पे कि तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, तुम यहाँ पे बैठ करो। इतने में दूसरा पुलिस वाला आया, आके कहने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे? हम लोग बोले ये सर, देखिए हम लोग कोई बैठा पुलिस, दूसरा पुलिस वाला बैठा के गया है सर। हम लोगों को बोला है कि तुम्हें कोई सहायता मिलेगी, कह रहे यहाँ पे कोई सहायता नहीं मिलेगी, भागो यहाँ से निकलो। इतने में लाठी चार्ज कर दिया सर, मारना सर। हम लोग खुद चले जाएंगे, वो क्यों मार रहा है हम लोग? हम उसका बस का इंतजार नहीं, हम लोग खुद चले जाएंगे जैसे भी। हम लोग को जाने भी नहीं दे रहा। कहाँ जाना है आपको? क्या नाम है? बिहार जाना है। क्या नाम? क्या? मुकर्रम अली। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ लोगों ने तृणमूल के एक पंचायत के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने पंचायत सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पिटाई की। बताया गया कि लोगों को पंचायत सदस्य को सरकार की तरफ से मिलने वाले मछली के चारे को बेचने का शक था। विरोध करने पर पहले बहस शुरू हुई और बाद में लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बिहार के औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों ने सड़क पर निकलकर हंगामा कर दिया। मजदूरों ने खाना और पानी ठीक तरह से नहीं दिए जाने से नाराज होकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। विरोध कर रहे मजदूरों के हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और नाराज मजदूरों को समझा कर शांत कराया। करीब 3 घंटों के बाद सड़क से जाम को हटवाया जा सका, यानी ये जो मजदूर हैं वो इस बात को लेकर वहां पहुंचे कि उनको जल्द से जल्द उन्हें घर पहुंचाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि खाने और पीने का ठीक से इंतजाम नहीं किया गया है और इसी को लेकर नेशनल हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया। विरोध कर रहे मजदूरों के हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम दिखा, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे। नाराज मजदूरों से उन्होंने बात की, उनको समझाने की कोशिश की। करीब 3 घंटों के बाद वो मजदूर जो थे वो समझ पाए और उसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीरें, जहां गांव वापसी की मांग कर रहे प्रवासी मजदूर बेकाबू हो गए। वहां के एक शेल्टर होम में रुके इन मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया और अंबाला हाईवे को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से अपने गाँव की ओर निकले। वही बड़ी संख्या में ये मजदूर शेल्टर होम से निकलकर अंबाला हाईवे पर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और मजदूरों को बड़े मुश्किल से शांत कराया गया। तो गांव वापसी की मांग पर दरअसल ये मजदूर हंगामा करते दिखे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इन्हें समझाया जा सका, ये भरोसा दिलाया गया कि जैसे ही इनके 14 दिन क्वारंटीन के पूरे होते हैं इनको इनके गांव भेज दिया जाएगा, लेकिन तब तक इन्हें इसी शेल्टर होम में रहना होगा। काफी समझाने के बाद ये मजदूर समझे और उसके बाद जाकर ये हंगामा शांत हुआ। उधर गुजरात में राजकोट में लॉकडाउन का पालन करवाने एक इलाके में पहुंचे पुलिस वालों पर वहां के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू किया और पुलिस वालों की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। गुजरात के सूरत में एक बार फिर मजदूरों की भीड़ सड़क पर उतर आई। हंगामा कर रहे ये मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते नजर आए। नारेबाजी कर रहे ये मजदूर पुलिस के समझाने के बाद जाकर शांत हुए। ये मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर जुट गए। पुलिस के समझाने पर ये मजदूर शांत हुए। सूरत में दरअसल ये मजदूरों का हंगामा। कानपुर में देर रात से लगे जाम की वजह से परेशान मजदूरों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। मजदूरों ने दूसरी तरफ की लेन को भी जाम कर दिया और सड़क पर नारेबाजी करने लगे। मजदूर कई घंटों से खाना और पानी नहीं मिलने पर गुस्सा जताते दिखे। दूसरी लेन पर सड़क पर पत्थर लगाकर जाम लगा दिया। हम लोग को जाने का कोई सुविधा नहीं, खाना पानी का कोई सुविधा नहीं। हम लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके रात से दिन भर यहाँ जागते बैठे हुए। आगे हमको कोई प्रशासन हमको कोई सुविधा नहीं दे रही है। इधर की प्रशासन क्या कर रही हो तो मुझे पता नहीं, मगर ये योगी सरकार या कोई देखे तो यहाँ से जल्द ट्रैफिक खत्म करें। उधर बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और मजदूरों से उनकी मुलाकात को नाटक करार दिया। राहुल गांधी जी नौटंकी कर रहे हैं, देश उसको देख रहा है। जो कल नाटक नौटंकी किया लोगों ने देखा है कि नाटक नौटंकी मत कीजिए राहुल जी। आप उठाए 4-5 मजदूर को और कहाँ ले गए, उनके घर पहुँचाया आपने? और इतना ही ममता है तो सबको पहुँचा दीजिए। सरकार सक्षम है, सारी व्यवस्था कर रही है। राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, नाटक नौटंकी मत कीजिए, अपनी हंसी मत उड़ाइए। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 90,927 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 4,900 से ऊपर मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 120 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में अब तक 2,872 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई। देश में अब तक 34,109 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने के बाद अपने घर गए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 30,700 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 10,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,300 के पार पहुंच चुका है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के करीब पहुंच गई।
कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 14,67,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वही रूस दूसरे नंबर पर है, जहाँ मरीजों की संख्या 2,72,000 को पार कर गई है। इस लिस्ट में ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,41,000 को पार कर चुकी है। ब्राजील लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,33,000 से भी ज्यादा है। और पांचवें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,30,000 के पार है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान वापस लाने की मुहिम में नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण के तहत नौसेना का जहाज आज सुबह कोची पहुंचा। इस चरण में 588 भारतीयों को मालदीव से भारत लाया गया है, जिनमें 6 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। कोची के तट पर लोगों को जहाज से उतारा गया और प्रोटोकॉल के तहत सभी की जाँच की गई।